नगरपालिका की लापरवाही के चलते वार्डवासी परेशान। स्थान सितारगंज उधम सिंह नगर। दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। नगर में जियो कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड केबल बिछाने का कार्य चल रहा था। जियो कंपनी द्वारा टाइल रोड पर कई जगह गड्ढे खोदे गए हैं जो अब तक नहीं भरे गए। मशीन द्वारा केबल बिछाने के काम में कई जगह टंकी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते शहर में लोगों को पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। नगर के वार्ड नंबर 3 की टाइल रोड पिछले 3 महीने से जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार बाइक सवार गड्ढों में फिसलने से गंभीर चोटें खा चुके हैं। नगरपालिका ईओ ने कहना है कि हमने 55,000 का जियो कंपनी का वो नोटिस भेजा है, अगर वह जल्द से जल्द इस काम को पूरा नहीं करते तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। देखा जाए तो नगरपालिका और जियो कंपनी की नाकामी आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। जियो कंपनी द्वारा ये एक निर्माण किया गया था, जो कि ये गड्ढे द्वारा अंदर द्वारा पाइपलाइन डाली गई थी, और इसमें जब से कम से कम 3 महीने हो गए हैं और ये गड्ढे निपाटे गए हैं, इसमें कई सारी बाइकें गिर गई हैं और लोगों को चोटें लग गई हैं। रात को यहाँ पर मतलब गड्ढे में कई लोग अंधेरे में गिर जाते हैं, जिससे हम लोगों की शिकायत है कि नगरपालिका द्वारा ये गड्ढे पटवाए जाएं ताकि इस रोड को लोगों की व्यवस्था द्वारा ठीक से चला जाए। इस तरह से इस रोड पे आगे भी कई गड्ढे हैं, जिससे नगरपालिका द्वारा या जियो कंपनी द्वारा कोई देख रेख नहीं की गई है, जिसमें यहाँ के लोगों की शिकायत है कि कम से कम ये गड्ढे पाटे जाएँ और हम लोगों को यहाँ से सुरक्षित चलाया जाए और निकाला जाए। यहाँ जियो मोबाइल वालों ने वो लाइन डालने के लिए वो रोड को वहाँ से तोड़ी थी। तोड़ने के बाद हमने उनको कहा था इसको ठीक करना, लेकिन नहीं गया। उनको लगभग उसका 55,000 का हमने एस्टिमेट बना रखा है और उनको पैसा जमा करने के लिए हमने आदेश कर दिए हैं, पत्र भेज दिया है। जैसे ही वो पैसा आता है तो करवा देंगे। मान लिया वो पैसा नहीं देते तब भी हम करवा देंगे, ट्राई कर लेंगे। उसमें इसीलिए लग रहा है कि वो जियो वालों ने नहीं दिया था। अभी कोई उनके वो आए थे, मैंने उनसे फिर कहा कि पैसा जमा करो, अन्यथा जो भी उनका सामान है वो जब्त कर लिया जाएगा और नगर पालिका अपने संस्थान बनाएगी, उसकी फिर भू राजस्व की तरह वसूली कर ली जाएगी उसकी।